स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 4, जिसका नाम है द काइट मेकर, को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। जब मैं इंटर में था, स्टूडेंट था, तो मैं सोचा करता था कि रस्किन बॉन्ड कोई फॉरेनर राइटर होंगे, जैसा कि इनके नाम से मुझे आज भी लगता है, लेकिन ये एक इंडियन राइटर हैं। यह मैं आगे चलकर जाना, पर मेरा आज भी मानना है कि ये रस्किन बॉन्ड जो शब्द है वो फॉरेनर ही है। आप क्या कुछ मानते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके पहले कि पढ़ाई में आप लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो बना पाता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, खराब लगने पर डिसलाइक भी करें। और आप क्या कुछ चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं या क्या कमी पाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। एन एंशिएंट बनियन विच हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक ऑफ एन एबंडेंट मास्क वाज द ओनली ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथ। एंशिएंट का अर्थ है प्राचीन, बनियन मिस बरगद का पेड़, क्रैक्स मिस दरारें, एबंडेंट मतलब परित्यक्त्य, मास्क मिस मस्जिद, स्ट्रीट मिस गली। एक प्राचीन बरगद का पेड़ जो कि उगाया था एक परित्यक्त मस्जिद की दरारों में, और यह पेड़ उस गली का एकमात्र पेड़ था जिसे गली रामनाथ के नाम से जानते थे। एंड लिटिल अलीज काइट हैड कॉट इन इट्स ब्रांचेज, और छोटे से अली की काइट या पतंग इस बनियन ट्री के शाखाओं में फंस गई थी। द बॉय बेयरफुट एंड क्लैड ओनली इन ए टॉर्न शर्ट रन अलोंग द कोबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट टू वेयर हिज ग्रैंडफादर सैट नोडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्ट यार्ड। लड़का जो कि बेयरफुट था, नंगे पांव था, एंड क्लैड ओनली इन ए टॉर्न शर्ट और एक फटी हुई कमीज पहने हुए था, रन अलोंग द कोबल्ड स्टोन्स। कोबल्ड स्टोन्स का मतलब होता है तरीके से लगाए गए पत्थर, और ये तरीके से लगाए गए पत्थर थे उस सकरी गली में जिसमें लड़का दौड़ा, और दौड़ते हुए अपने ग्रैंडफादर अपने दादाजी के पास आया जो कि बैठे हुए ऊंघ रहे थे और ड्रिमली और स्वप्न देख रहे थे, दीवा स्वप्न देख रहे थे, इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड, अपने घर के पीछे के आंगन में सूर्य के प्रकाश में बैठे थे, घमौनी ले रहे थे। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय द काइट हैज गॉन, वो लड़का चिल्लाया दादाजी पतंग तो चली गई। द ओल्ड मैन ओक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विथ ए स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड डिस्प्लेड ए बियर्ड विच वुड हैव बीन व्हाइट हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विथ मेहंदी लीव्स। वो बूढ़ा व्यक्ति उठा, जगा, हिज डे ड्रीम अपने दीवा स्वप्न से जग गया, विथ ए स्टार्ट और जगते हुए थोड़ा सा शुरुआत किया, शुरुआत में उसने अपने सिर को उठाया, डिस्प्लेड ए बियर्ड अपनी दाढ़ी को दिखाया जो कि पूरी तरह से सफेद हो चुकी होती, सफेद दिखती यदि उस पर मेहंदी की पत्तियां लगाकर लाल रंग न कर दिया गया होता तो। डिड द ट्वाइन ब्रेक ही आस्क्ड, उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या मंजा टूट गया? ट्वाइन का मतलब है धागा, पतंग उड़ाने वाला धागा या मंजा। आई नो दैट काइट ट्वाइन इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी, मैं जानता हूं कि ये जो
पतंग का मंझा था वो उपयोग के लायक नहीं था. नो ग्रेट फादर द काइट इज स्टक इन द बनियन ट्री. नहीं दादाजी वह पतंग तो बरगद के पेड़ में फंस गई है. द ओल्ड मैन चकल. वह बूढ़ा व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया. यू हैव इट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली. तुमको अभी यह सीखना होगा कि पतंग को ढंग से तरीके से कैसे उड़ाते हैं. माई चाइल्ड मेरे बच्चे. एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू बट दैट्स द पीटी ऑफ इट. और मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें यह सिखा सकूँ. कितनी दयनीय बात है. बट यू शैल हैव अनदर. लेकिन तुम्हारे पास दूसरी पतंग होगी. तुमको दूसरी पतंग मिल जाएगी. ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट फ्रॉम बम्बू पेपर एंड थिन सिल्क एंड इट ले इन द सन फॉर्मिंग अप. मैं अभी अभी एक पतंग बना चुका हूँ. एक नई पतंग बनाया हूँ जो कि बांस पेपर और पतले सिल्क से बनी है और धूप में पड़ी हुई है सूखने के लिए. फॉर्मिंग अप से अर्थ है सूखने के लिए. इट वॉज ए पेल पिंक काइट. और यह जो पतंग थी वो हल्की गुलाबी रंग की थी. पेल का मतलब हल्का. विथ ए स्मॉल ग्रीन टेल. और इसके साथ एक छोटी सी हरे रंग की पूंछ भी थी. द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली. उस बूढ़े व्यक्ति ने इस पतंग को अली को दे दिया. एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टूज एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स होलोड आउट चीक. वह छोटा लड़का अपने आप को अपने पैर की उंगलियों पर उठाया, थोड़ा उचका, और उसने अपने दादाजी के पिचके हुए या खोखले गालों को चूमा. आई विल नॉट लूज इट दिस वन ही सेड. उसने कहा कि मैं इसको नहीं खोऊंगा. दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड. और यह पतंग चिड़िया की तरह उड़ेगी. एंड ही टर्न्ड ऑन हिज हील्स एंड एस्केप्ड आउट ऑफ द चर्च ऑफ द कोर्ट यार्ड. और वह अपने हील्स पर अपने एड़ियों पर घूमा और कूदते हुए आंगन से बाहर चला गया. द ओल्ड मैन रिमेन्ड ड्रीमिंग इन द सन. और वह बूढ़ा आदमी सूर्य के प्रकाश में स्वप्न देखने में मशगूल हो गया. हिज काइट शॉप हैड गॉन. उसकी जो पतंग की दुकान थी जा चुकी थी, मतलब बंद हो चुकी थी. द प्रीमाइजेज हैविंग बीन सोल्ड मेनी ईयर्स एगो टू जंक डीलर्स. और जो दुकान के साजो सामान थे उन्हें भी सालों पहले कबाड़ी को बेचा जा चुका था. बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ऑन एम्यूजमेंट एंड एज प्लेथिंग फॉर हिज ग्रैंड सन. एम्यूजमेंट का अर्थ है मनोरंजन, आनंद. लेकिन वह अभी भी पतंग बनाया करता था अपने खुद के मनोरंजन के लिए. और एक ऐसी प्लेइंग थिंग या खेलने की चीज़ बना के रूप में जो उसके पोते के लिए या ग्रैंडसन के लिए थी. अली नॉट मेनी पीपल बॉट काइट्स दिस डे. इन दिनों अधिकांश लोग पतंग नहीं खरीदा करते हैं. Adults disdained them and children preferred to spend their money at the movie. जो एडल्ट हैं, व्यस्क हैं, परिपक्व हैं, वे पतंगों से घृणा करते हैं. और जो बच्चे हैं वे अपने पैसे को मूवी देखने के लिए वरीयता देते हैं. मतलब बच्चों का पैसा मूवी देखने में खर्च होता है. Moreover, there were few open spaces left for flying kites. और इसके आगे पतंग उड़ाने के लिए अब जो खाली स्थान चाहिए होता है वह भी बहुत कम ही बचा है. The city had swallowed up the green मैदान which had stretched from the old fort walls to the river bank. और जो शहर है वह उस ग्रीन मैदान को, हरे मैदान को निकल गया है या शहर का विस्तार वहां तक हो गया है. विच हैड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वॉल्स टू द रिवर बैंक. वह मैदान जो कभी पुराने किले से लेकर नदी के किनारे तक हुआ करता था. बट द ओल्ड मैन
remembered a time when grown-ups flew kites from the Maidan, and great battles were fought, the kites swerving and spooking in the sky, tangling with each other until the string of one was cut. But the old man remembered, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को याद है, a time when grown up flew, वह समय याद है जब व्यस्क लोग, परिपक्व लोग, पतंग उड़ाया करते थे, from the मैदान, उस मैदान से, the great battles were fought, बड़ी लड़ाइयां होती थी, बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थी, पतंगबाजी की बड़ी लड़ाइयां होती थी, the kites swerving and swooping in the sky, स्वर्फिंग का अर्थ है लहराना और स्पूकिंग का अर्थ है गोता लगाना. पतंगें लहराती थीं, लहरा के उड़ती थीं और गोते लगाती थीं आसमान में. टैंगलिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से उलझ जाती थीं. अंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज कट, तब तक उलझी रहती थीं जब तक कि एक पतंग की स्ट्रिंग या धागा कट न जाता था. देन द बीटन बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इंटू द ब्लू अनोन, और तब वह हारी हुई लेकिन स्वतंत्र पतंग नीले आसमान में दूर तक उड़ जाती थी. देयर वाज़ ए गुड डील ऑफ बेटिंग, और इसमें एक अच्छी खासी शर्त भी लगती थी. बेट का अर्थ होता है शर्त लगाना. पतंगबाजी की युद्ध में शर्तें भी लगती थी. एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, और पैसा प्राय एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाता था, क्योंकि शर्त में पैसा लगाया जाता था. काइट फ्लाइंग वॉज देन ए स्पोर्ट ऑफ किंग्स, उन दिनों पतंग उड़ाना या पतंगबाजी राजाओं का खेल था, शाही खेल था. द ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड हाउ टू नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू रिवर बैंक विथ हिज रिटिन्यू टू ज्वाइन इन हिज नोबल पास्ट टाइम. उस बूढ़े व्यक्ति को यह भी याद था कि कैसे नवाब साहब स्वयं ही आते थे नदी के किनारे अपने रिटिन्यू या सेवक दल के साथ, और अपना जो समय व्यतीत करने का साधन होता था, उनका यह एक अच्छा समय व्यतीत करने का साधन होता था पतंगबाजी. In those days, there was time to spend an idle hour with a game. उन दिनों अपने फुर्सत के समय को प्रसन्नता से बिताने का यह तरीका होता था डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, और यह तरीका था पेपर की यह नाचते हुए टुकड़े जिन्हें पतंग कहते हैं. Now everyone hurried in heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were tramped underfoot. लेकिन अब हर कोई जल्दी में है, जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है. Hurried in heat of hope, और यह जो जल्दबाजी है आशाओं की गर्मी से भरी हुई है, आकांक्षाओं की उष्मा से भरी हुई है. एंड डेलिकेट थिंग्स, और जो नाजुक चीजें हैं जैसे कि पतंग या दीवा स्वप्न, ये सब चीजें पैरों तरह कुचली जा चुकी हैं. महमूद द काइट मेकर हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ. महमूद जो कि काइट मेकर है, पतंग बनाने वाला है, वह अच्छी तरह से जाना जाता था पूरे शहर में अपने प्राइम टाइम में, मतलब अपने युवावस्था में. Some of his more elaborate kites sold for as much as 3 or 4 rupees. Elaborate का मतलब है भव्य. उसकी कुछ भव्य पतंगें उन दिनों 3 या 4 रुपए में बेची जाती थीं. At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite. और एक बार महमूद ने नवाब के निवेदन पर, नवाब के आग्रह पर एक बहुत ही विशेष प्रकार की पतंग बनाई. अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, उसकी जैसी पतंग पूरे जिले में नहीं देखी गई थी. इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ ए स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन द थीन बम्बू फ्रेम. और इस पतंग में बहुत ही हल्के पेपर की डिस्क की सीरीज थी,
इसका अर्थ है गोल गोल दस्तरियों जैसा हल्के पेपर का एक सीरीज था, श्रृंखला था, ट्रेलिंग ऑन द थीन बम्बू फ्रेम, और यह पतले बांस के ढांचे पर लटक रहा था। ट्रेलिंग का अर्थ है लटकना। टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क ही टाइड ए स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस, और इस जो कागज के जो दस्तरियां थी, डिस्क थी, उनके छोर पे, उनके किनारे पर महमूद ने घास के टुकड़े को बांध रखा था संतुलन बनाने के लिए। एक्सट्रीमिटी का अर्थ है छोर या किनारा। द सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कॉन्वेक्स, और जो सरफेस था, बाहरी सतह थी पतंग की, आउटर मोस्ट सतह डिस्क की या कागज की दस्तरियों की जो आउटर मोस्ट डिस्क थी वो थोड़ी कॉन्वेक्स थी, थोड़ी उभरी हुई थी। एंड द फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट, और एक बहुत ही अच्छा चेहरा इसके ऊपर पेंट किया हुआ था। विथ टू आईज मेड ऑफ स्मॉल मिरर, और इस चेहरे में दो आंखें भी थीं जो छोटे मिरर से बनाई गई थीं। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, और ये जो कागज की तस्तरियाँ थीं इनका साइज छोटा होता जा रहा था ऊपर से नीचे आने में या हेड से टेल की तरफ आने में। गिव द काइट द अपीयरेंस ऑफ क्रॉलिंग सरपेंट, अपीयरेंस मतलब होता है रूप या जो रूप ही कहें, और यह पतंग को एक ऐसा रूप देता था जैसा कि क्रॉलिंग सरपेंट, जैसा कि लहराता हुआ उड़ता हुआ सरपेंट का अर्थ है सांप। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस कंबरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड, कंबरसम का अर्थ है भारी डिवाइस पतंग के लिए कहा गया है, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता होती थी, और इस भारी भरकम डिवाइस या पतंग को उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी कुशलता की आवश्यकता थी। एंड ओनली महमूद को मैनेज इट, और केवल महमूद ही ऐसा कर पाता था। एवरीवन हैड ऑफ कोर्स हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट दैट महमूद हैड बिल्ट, एंड वर्ड वेंट राउंड दैट इट पोसेस्ड सुपर नेचुरल पावर। हर कोई निश्चित रूप से उस ड्रैगन काई या विशाल काय काइट के बारे में सुन चुका था जिसे महमूद ने बनाया था। एंड वर्ड वेंट राउंड, और ये बात चारों तरफ फैल गई दैट इट पोसेस्ड सुपर नेचुरल पावर, कि ये जो पतंग है, विशालकाय पतंग है या दैत्याकार पतंग है, वह अलौकिक शक्तियां रखता है। सुपर नेचुरल का अर्थ है अलौकिक। ए लार्ज क्राउड असेंबल ऑन द मैदान टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन प्रेजेंस ऑफ द नवाब, लोगों की एक बड़ी भीड़ मैदान में इकट्ठा हो गई इस विशालकाय पतंग की लॉन्चिंग को या उड़ान को देखने के लिए, पहली उड़ान को देखने के लिए, और नवाब की उपस्थिति में, मतलब नवाब भी उपस्थित थे। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट डिड नॉट बज फ्रॉम द ग्राउंड, पहले प्रयास में यह पतंग जमीन से उठ भी नहीं सकी। द डिस्क मेड ए प्लेंटिव प्रोटेस्टिंग साउंड एंड द सन वॉज ट्रैप इन द लिटिल मिरर्स मेकिंग द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रीचर। डिस्क मेड, जो कागज की तस्तरियां थी उसने बनाया, प्लेंटिंग का मतलब है निराशाजनक, प्रोटेस्टिंग का मतलब है विरोधात्मक आवाज, तो उन तस्तरियों ने, कागज की तस्तरियों ने कुछ निराशाजनक और विरोधात्मक आवाज बनाया, और सूरज छोटे छोटे मिरर में फंस चुका था, मतलब उस मिरर में सूरज की प्रतिबिंब बन रहे थे, जैसा लग रहा था मानो कि सूरज को बांध लिया गया है पतंग में, मेकिंग द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रीचर, और यह सब उस पतंग को एक जीवित, एक सजीव प्राणी बना रही थी, एक ऐसा प्राणी जो शिकायती
पोस्चर में था, शिकायती लहजे में था। Then the wind came from the right direction and the dragon kite soared into the sky. तभी हवा एक सही दिशा से आई और वह ड्रैगन काइट आसमान में उठ गई। Wriggling its way higher and higher with the sun still glinting in its devil eyes. Wriggling का अर्थ है मुड़ते हुए, उड़ते हुए। और ये उड़ते हुए ऊंचे ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई पे जाती चली गई और सूरज जो था इसकी दैत्याकार आंखों में चमक रहा था। डेविल आई का मत अर्थ है दैत्याकार आंखें। व्हेन इट वेंट वेरी हाई इट पुल्ड फर्सीली ऑन द ट्वाइन एंड महमूद यंग सन हैड टू हेल्प हिम विद द रीप। जब ये बहुत ऊंचाई पे चली गई तो इसको बहुत ही भयानक तरीके से खींचा गया और इसको खींचने में महमूद और महमूद के जो नौजवान लड़के थे वे भी साथ में थे रील के। बट स्टिल द काइट पुल्ड डिटरमिन्ड टू बी फ्री। लेकिन पतंग जो थी अभी भी जैसे लग रहा था कि स्वतंत्र होने के लिए दृढ़ निश्चय कर ली थी। टू लीव ए लाइफ ऑफ इट्स ऑन, और यह दृढ़ निश्चय था अपनी स्वतंत्र जीवन जीने का। एंड देन इट हैपेंड, और तभी यह हुआ। द ट्वाइन स्नैप्ड, वह मंझा टूट गया जिसमें पतंग बंधी थी। द काइट लिफ्ट अवे टूवर्ड्स द सन, और यह जो पतंग थी सन की तरफ उड़ गई। सेल ऑन अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू, तब तक उड़ती चली गई जब तक कि आंखों से ओझल न हो गई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, इसे दोबारा नहीं पाया गया। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टर वर्ड इफ ही हैड मेड टू लिविंग ए थिंग टू ग्रेट काइट। और बाद में महमूद को इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं उसने बहुत ही सजीव, बहुत ही जीवंत पतंग तो नहीं बनाई थी जो सचमुच सजीव ही थी और अपनी इच्छा अनुसार अपने गंतव्य पर चली गई। विविट का मतलब होता है सजीव, अत्यधिक सजीव। ही डिड नॉट मेक अनदर काइट लाइक इट, उसने दोबारा ऐसी पतंग नहीं बनाई। बट इंस्टेड प्रेजेंटेड द नवाब विथ ए म्यूजिकल काइट, लेकिन इसके बदले महमूद ने नवाब को एक म्यूजिकल काइट, एक पतंग जो संगीतमय थी, उसको उपहार स्वरूप दिया। वन दैट मेड ए साउंड लाइक ए वीना, और यह जो पतंग थी वीना के अनुसार ध्वनि उत्पन्न करती थी। यस दोज वेयर मोर लेजरली डे, हाँ वह जो समय था बहुत ही फुर्सत का समय था, फुर्सत के समय हुआ करते थे। बट द नवाब हैड डाइड इयर्स एगो, लेकिन जो नवाब था वह सालों पहले मर गया था। हिज डिसेंडेंट वेयर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, डिसेंडेंट का अर्थ है वंशज, और उस नवाब के जो वंशज थे उसके में से अधिकांश तो इतने गरीब थे जितना कि महमूद। काइट मेकर लाइक पोएट वंस हैड देयर पैट्रॉन, पैट्रॉन का अर्थ है संरक्षक। काइट मेकर पतंग बनाने वाले, पतंगसाज लाइक पोएट या फिर कवि जैसे लोग उस समय अपने संरक्षक रखा करते थे। महमूद नाउ हैड नन, लेकिन महमूद के पास अब कोई संरक्षक नहीं था। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन, कोई भी उसका नाम नहीं पूछता था, उसका कारोबार नहीं पूछता था। सिंपली बिकॉज देयर वेयर टू मेनी पीपल इन द गली एंड नो बॉडी कुड बी बोदर्ड अबाउट नेबर्स। बोदर्ड का अर्थ है फीलिंग पेन, दर्द महसूस करना या सोचना समझना। साधारण सी बात है कि समय उस गली में बहुत से लोग हो गए थे और कोई अपने पड़ोसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, कोई अनुभूति नहीं रखता था। When he was younger and had fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask after his health. जब अपने युवावस्था में वह कभी बीमार हो जाया करता था तो पास पड़ोस के लोग उससे देखने आते थे, मिलने आते थे और उसके हालचाल पूछते थे। Now when his days were drawing to close, अब उसके जो दिन हैं बंद होने वाले हैं, मतलब जिंदगी समाप्त होने वाली है,
No one visited him, कोई उसे नहीं मिलता. Most of his old friends were dead. अब बहुत से उसके मित्र मर चुके हैं. His sons had grown up. उनके जो बेटे हैं वो व्यस्त हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं. One was working in a local garage. और उनमें से एक है जो लोकल गैरेज में, क्षेत्रीय गैरेज में काम करता है. The other had stayed in Pakistan where he was at the time of partition. और एक है जो पाकिस्तान में ही ठहर गया है या बस गया है जहाँ पे वह विभाजन के समय था. The children who had bought kites from him 10 years ago, बच्चे जो 10 साल पहले उसकी दुकान से पतंग खरीदा करते थे, were now adults, अब व्यस्क हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं. Struggling for living, और जीविका उपार्जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. They did not have time for old man, उनके पास उस बूढ़े आदमी के लिए समय नहीं है. And his memories, और उसकी यादों के लिए समय नहीं है. Having grown up in swift changing competitive world, और इस तेजी से बदलने वाले प्रतिस्पर्धात्मक संसार में वे व्यस्त हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं. They looked at the old kite maker with the same indifference as they saw towards the bunion. ये परिपक्व हो चुके लोग उस बूढ़े काइट मेकर को ठीक उसी तरीके से देखते हैं, उसी नजरिए से देखते हैं जैसे कि वे उस पुराने बरगद के पेड़ को देखते हैं. Both were taken for granted as permanent fixtures that were of no concern to the mass of humanity that surrounding them. Fixture का अर्थ है वस्तु, granted का मतलब है permission या अनुमति. Both were taken. Both का मतलब है kite maker महमूद और वो जो बरगद का पेड़ है, दोनों को एक ऐसी वस्तु, अस्थाई रूप से एक ऐसी वस्तु की मान्यता दे दी गई है जैसे उनका समाज से या उनके आसपास के लोगों से कुछ भी लेना देना ना हो, बेवजह की चीज बन गई है, बन गए हैं दोनों. No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problem and their plans. अब उतने ज्यादा लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा नहीं होते हैं अपनी समस्याओं या योजनाओं के बारे में विचार विमर्श करने के लिए. Only in summer month did someone seek shelter under it from the fiery sun. केवल ग्रीष्म के समय में, गर्मियों के मौसम में कुछ एक लोग ही भयानक सूर्य से या सूर्य की तपिश से बचने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेते हैं या छाए में आते हैं. But there was of course the boy, his grandson, लेकिन वहाँ पे निश्चित रूप से उसका पोता या grandson है. It was good that his son worked close by, यह भी अच्छा है कि उसका जो बेटा है पास ही काम करता है. And he and the daughter-in-law could leave Mahmood's house, और वह उसकी जो बहू है दोनों ही महमूद के घर में रहते हैं. It gladdened his heart to watch the boy at play in the winter sunshine. उसका जो हृदय था प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था जब वो अपने लड़के पोते को जाड़े के महीने में सूरज के प्रकाश में खेलते हुए देखता था. Growing under his eyes like a young and well nursing sapling, और उसको विकसित होते हुए देखता था जैसे कि कोई वेल नरिश्ड अच्छा पोषित पौधा ग्रो कर रहा हो, बढ़ रहा हो. पुटिंग फोर्थ न्यू लिविंग ईच डे, जैसे कि पौधे प्रतिदिन एक नई पत्तियां निकलती हैं, नए खोपड़े फूटती हैं, तो जिस तरह से एक नए पौधे में अच्छी तरह से पोषित पौधे में रोज नई पत्तियां निकलती हैं, उसी तरह से वह अपने पोते को देखा करता था जिसमें शरीर में नियमित रूप से कुछ न कुछ विकास हो रहा था. देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, पेड़ों में और आदमियों में, इंसानों में एक बहुत बड़ी समानता है. एफिनिटी का अर्थ है समानता. देयर दे ग्रो एट मच द सेम पेस इफ दे आर नॉट हर्ट आर स्टार्व आर कट डाउन. ये दोनों ही एक समान रफ्तार से, समान गति से बढ़ते हैं, विकसित होते हैं यदि उनको चोटिल न किया जाए या फिर वो भूखे न हों या फिर उनको काटा न जाए. इन देयर यूथ
दे आर रिस्प्लेंडेंट क्रीचर, अपनी युवावस्था में वे दोनों ही आकर्षक होते हैं, भव्य होते हैं, रिस्प्लेंडेंट का अर्थ है चमकीला, एंड इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स दे स्टूप लिटिल, और अपने वृद्धावस्था में, डिक्लाइनिंग ईयर का अर्थ है वृद्धावस्था में, दोनों ही थोड़े से झुक जाते हैं, दे रिमेंबर दे स्ट्रेच देयर बिटल लिम्स ऑन द सन एंड विथ ए साई सेट देयर लास्ट लीव्स, उन्हें यह याद रहता है कि वे अपने भुरभुरे भुजाओं को सन के सामने, सूर्य के सामने फैला लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं और अंततः आखिरी पत्ती भी गिर जाती है। महमूद वाज लाइक द बनियन, हिज हैंड्स ग्नाइल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री, महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ जैसा था, हिज हैंड्स ग्नाइल्ड का अर्थ है गांठदार, उसके हाथ गांठदार हो गए थे, एंड ट्विस्टेड दोहरा खा गए थे, और ठीक वैसे ही दोहरा खा गए थे जैसे कि पुराने बरगद की रूट्स या जड़ें। अली वाज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्ट यार्ड, मिमोसा छुई मुई के पौधे को कहते हैं, और वह जो छोटा नौजवान या छोटा अली था वह उस छुई मुई के पौधे की तरह था जिसे आंगन के किनारे पर आखिरी में लगाया गया था, रोपित किया गया था। इन टू ईयर्स, दो सालों में, बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूथ, लेकिन दो सालों में ही दोनों ही, उसका पोता अली और वह छुई मुई का पौधा, इतनी शक्ति और इतना विश्वास प्राप्त कर लेंगे जितना कि एक नौजवान में होता है, जो नौजवानों का गुण होता है, वो दो सालों में उसका पोता और वह पौधा दोनों ही पालेंगे। The voices in the street grew fainter and Mahmood wondered if he was going to fall asleep and dreams. गलियों में जो आवाज थी वो धीरे धीरे धूमिल होती चली गई, फेंटर का अर्थ है धुधला होना या धूमिल होना, और महमूद इस बात से चकित हो रहा था कि क्या वह फिर से सोने जा रहा है या स्वप्न लोक में जा रहा है। As he so often did, जैसा कि वो प्राय किया करता था, of a beautiful, powerful kite resembling the great white bird of the Hindus, गरुड़ा, God Vishnu's famous street, जैसा कि वो हमेशा किया करता था, अक्सर किया करता था, कि वो एक पतंग बना रहा था, एक सुंदर, शक्तिशाली, ठीक हिंदू के हिंदी हिंदू धर्म में जो गरुड़ है, गरुड़ चिड़िया है, उसके जैसा। और यह गरुड़ कौन है? गॉड विष्णुज फेमस स्टीट, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध वाहन, स्टीट का अर्थ है वाहन। ही वुड लाइक टू मेक ए वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली, वह चाहता था कि वह अपने छोटे से बच्चे के लिए, छोटे अली के लिए एक आश्चर्यजनक पतंग बनाए। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय, आखिर उस छोटे से बच्चे को छोड़ के जाने के लिए उसके पास कुछ था भी नहीं। He heard Ali's voice in the distance, but did not realize that the boy was calling out to him. उसने अली की आवाज कुछ दूरी पे सुनी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया, नहीं महसूस किया कि यह जो लड़का है उसी को बुला रहा है। The voice seemed to come from very far away. ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा जान पड़ा कि यह जो आवाज थी बहुत दूर से आ रही थी। अली was at the courtyard door, और अली जो था आंगन के दरवाजे पर था, asking if his mother had as it returned from the bazaar, और पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ अब तक बाजार से आ गई है, लौट आई है। When Mahmood did not answer, जब महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया, the boy came forward, बच्चा आगे आया, repeating his question, अपने प्रश्न को दोहराते हुए। The sunlight was slanting across the old man's head, और जो sunlight थी, सूर्य का प्रकाश था, वो तिरछा होते हुए उस बूढ़े आदमी के सिर पर पहुंच रही थी। हैड ए स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वाज पर्स्ड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, और वहां पे एक छोटी सी तितली महमूद के भराते हुए दाढ़ियों पर बैठ चुकी थी। महमूद वाज साइलेंट, महमूद शांत था, एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड
ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर। और जब अली ने अपने छोटे भूरे हाथ को उस बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर रखा, ही गॉट नो आंसर, उसने कोई जवाब नहीं पाया। द बॉय हर्ड ए फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट। उस बच्चे ने, उस लड़के ने महसूस किया, पाया कि एक हल्की सी धुंधली सी आवाज, कंचों के रगड़ खाने की आवाज उसके पॉकेट से आ रही है। सडनली अफ्रेड, अचानक ही डर गया। अली टर्न एंड मूव टू डोर, अली घूमा और दरवाजे की तरफ भागा। एंड देन रन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, उसके बाद वह गलियों में नीचे की तरफ दौड़ते हुए दौड़ा, अपनी माँ को चिल्लाते हुए, माँ माँ करते हुए। एंड इन द बनियन ट्री ए सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉर्न काइट एंड लिफ्टेड इट इन टू द एयर। और तभी अचानक हवा का एक झोंका उस बनियन ट्री में फंसे हुए पतंग को उड़ा ले गया, हवा में उड़ा ले गया। कैरिंग इट फॉर अबव द स्ट्रगलिंग स्वीटिंग सिटी इन टू द ब्लू स्काई, और इस पतंग को उड़ा के ले गया इस संघर्षमय संसार में से के ऊपर से, और इस पसीना बहाने वाले संसार के ऊपर से नीले आसमान में।